फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हमारा 6 मॉडलर का बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि हम इसको ढांचा भी बोलते हैं, बोर्ड भी बोलते हैं। और ये हमारा देख सकते हैं इसमें हमारा वायर है, यानी कि हमारा वायरिंग का स्टार्टिंग कैसे होता है हम आपको एक्स वाई जेड पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। तो पहले नंबर होता है फेस, उसके बाद होता है न्यूट्रल, उसके बाद होता है अर्थिंग, उसके बाद होता है इन्वर्टर का वायर। तो हम आपको शुरू से समझाते हैं। तो देख सकते हैं हमारा ये जो बोर्ड लगा हुआ है, यानी हम इसको 6 मॉडलर का प्लेट बोलते हैं। इसके अंदर एक सॉकेट है और एक बटन है 6 एम्पियर, और एक बटन जो लगा हुआ है ये 16 एम्पियर का बटन है, और 2 डम्मी लगा हुआ है। इधर से आप देख लीजिए, इसके अंदर 2 डम्मी है और एक बटन 5 एम्पियर है और एक बटन 16 एम्पियर है, और एक 3 पिन सॉकेट है। तो इसका वायरिंग हम तो समझाते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है फेस, यानी कि जो जितना भी हमारा फेस का वायर आया हुआ है इस बोर्ड में, हमको पूरा कनेक्शन एक में कर देना है। तो ये हमारा पूरा कनेक्शन एक में हो गया, यानी कि हमारा एक ही फेस वायर आया हुआ है। यानी कि जो इसमें नीचे वाला टर्मिनल है, देख सकते हैं जो हमारा नीचे वाला टर्मिनल है ये हमारा फेस है, और जो दूसरा वायर दिख रहा है ये हमारा एसी का आउटपुट है, यानी कि ये हमारा एसी का सॉकेट लगा हुआ है 3 पिन। ये देख सकते हैं ये 3 पिन जो सॉकेट लगा हुआ है एसी का है, यानी कि जो एक वायर आ रहा है यहाँ से ये अंदर अंदर, और ये ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्शन हो गया है। यानी कि हमारा ये इतना तो वायरिंग आपको समझ में आ गया, यानी एक वायर जो है आउटपुट यहाँ से ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्शन हो गया है, और नीचे जो टर्मिनल दिख रहा है वो हमारा फेस का वायर है। उसके बाद हमारा 2 इंडिकेटर का वायर दिख रहा है आपको। तो ये जो हमारा है एक न्यूट्रल में कनेक्शन हो जाएगा, यानी कि सॉकेट का जो वायर दिख रहा है आपको, इस सॉकेट में जितना भी न्यूट्रल वायर है सबको कनेक्शन करके हमारा एक सॉकेट में आता है, यहाँ से हमारा फिर इसमें आ जाता है। ये इसको हमको न्यूट्रल में कनेक्शन कर देना है। अगर जो आपको डायरेक्ट इंडिकेटर चालू करना है, बटन के 2 टर्मिनल दिख रहा है आपको, यानी कि हमको डायरेक्ट चालू करना है नीचे वाले टर्मिनल में कर देना है जिसमें हमारा फेस आ रहा है। और जो अगर जो बटन से चालू करना है, यानी कि हमको इसको बटन ऑन करना है तो चालू है, देखिए हमारा इंडिकेटर चालू है, बटन ऑन करेंगे तो चालू हो, तो ऊपर वाले टर्मिनल में डाल देना है। तो अगर जो आपको नीचे डालना है तो डायरेक्ट चालू हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया फेस का वायरिंग, तो फेस का तो काम खत्म हो गया। अभी आते हैं न्यूट्रल पे। तो उसके बाद हमको देख सकते हैं जितना भी हमारा न्यूट्रल का वायर है हमको क्या करना है, सबको एक में ज्वाइंट मारना है, यानी कि हमने ज्वाइंट मार दिया है। फिर इसका जो सॉकेट का वायर है, ये देख सकते हैं हमारा सॉकेट का वायर, तो हमको क्या करना है, इसमें न्यूट्रल यन लिखा हुआ है, आप देखिए जो यन लिखा हुआ है इसको सॉकेट वाले कनेक्शन में कनेक्शन कर देना है। अब हमारा 2 टर्मिनल बच रहा है। अब उसके बाद हमारा फेस का हो गया, न्यूट्रल का हो गया, हम आते हैं अभी अर्थिंग पे। तो ये देख सकते हैं हमारा जो ग्रीन वायर दिख रहा है आपको, ये हमारा अर्थिंग का वायर है, यानी कि जो हम ग्रीन वायर है पूरा ग्रीन वायर को एक में कनेक्शन करते हैं, और जो हमारा ऊपर का टर्मिनल है उसमें कनेक्शन कर देते हैं।